हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल का है। टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम लोग पैरेलल इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक मैट्रिक्स को जब लिया जाए, जैसे कि मैंने ए लिया है और दूसरा मैट्रिक्स बी लिया है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक सीक्वेंशियल एल्गोरिथम है, जो कि हम सबको पता है कि सीक्वेंशियली कैसे एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th 11th 12th हम लोग करते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग थोड़ा उसका पैरेलल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, थोड़ा पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो इस वीडियो को अगले 5 मिनट तक देखते रहिए, ये आपको कांसेप्ट जिंदगी भर याद रहेगा कि एक्चुअल में मैट्रिक्स मैट्रिक्स का पैरेलल इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली कैरी आउट कैसे होता है। मैंने यहां पे एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। कोई नहीं, बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, समझ में आ गए तो बस खत्म, मार्क्स आ जाएंगे, फुल मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। मुझे क्या करना है, सी हम लोग इनिशियली क्या करते थे, एक एलिमेंट लेते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई, तीसरा एलिमेंट। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, पहले रिमेम्बर एलिमेंट बाय एलिमेंट इवैल्यूएशन कर रहे थे हम लोग, मतलब एक एलिमेंट एट अ टाइम कंसीडर कर रहे थे, उसको दूसरे के साथ यू नो मल्टीप्लाई कर रहे थे और फिर उसको स्टोर कर रहे थे, एंड बाकियों का जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसको एड करके हमारा एक रिजल्टेंट एलिमेंट बनता था। तो वहां पे क्या हो रहा था, इन अ वे इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, एलिमेंट बाय एलिमेंट इवैल्यूएशन हो रहा था सीक्वेंशियल में। तो वहां पे कैसा टाइम लगता है, अच्छा खासा तगड़ा टाइम लगता है सीक्वेंशियल एल्गोरिथम में, जहां पे एक ही प्रोसेस आपके पास होती है और आपको मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए दिए जाते हैं। लेकिन हम लोग पैरेलल में क्या लेते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेस कंसीडर करते हैं। यहां पे हमने दोस्तों 4 प्रोसेसेस कंसीडर किए। कितनी प्रोसेसेस, 4 प्रोसेसेस कंसीडर किए हैं, और ये जो मेरे मैट्रिक्स है वो 4x4 के हैं। दीस मैट्रिक्स आर 4x4 मैट्रिक्स और मैंने 4 प्रोसेसेस कंसीडर किए हैं, P0 P1 P2 एंड P3। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड करना है इनटू 4 पार्ट्स, और हर एक पार्ट जाएगा एक एक प्रोसेस को। क्या बोला मैंने, ये पूरा जो मेरा मैट्रिक्स है इसको मैंने किसमें डिवाइड करना है, इनटू 4 पार्ट्स डिवाइड करना है, और हर एक पार्ट मेरा एक एक प्रोसेस को असाइन होगा। तो मैंने क्या करता है, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स मैंने ऐसे डिवाइड कर दी, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स मैंने ऐसे डिवाइड कर दी। तो क्या हुआ, ये पार्ट उठ के बैठ गया इस प्रोसेस में, ये पार्ट उठ के बैठ गया इस प्रोसेस में, सिमिलरली ये पार्ट इस प्रोसेस में, ये पार्ट इस प्रोसेस में। उसी तरीके से 6, 1, 4, 5 दिस इज सिटिंग इन दिस प्रोसेस P0, ये P1 में, ये P2 में, ये P3 में। एक बार आपके पास ये प्रोसेसेस में ये वैल्यूज फिल अप हो गई, अभी आप इस मैट्रिक्स को भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं उस मैट्रिक्स को याद रखने की। आपके पास अभी ये प्रेजेंट वैल्यूज है, इसके ऊपर अपने को कंप्यूटेशन करनी है। रिमेंबर अभी हमारे पास 4 प्रोसेसेस है, प्रोसेस की इंडेक्स क्या है, P0, P1, P2, P3, ये 4 प्रोसेसेस हैं, उसमें वैल्यूज हमने फिल अप कर दी है विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी। अभी बिफोर कैरिंग आउट एनी फर्दर कंप्यूटेशन, 2 कॉन्सेप्ट समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेफ्ट शिफ्ट और अप शिफ्ट। हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और अप शिफ्ट परफॉर्म करते हैं बिफोर एनी कंप्यूटेशन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इज कैरिड आउट। तो यहां पे मैं इसके ऊपर कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करूं, उससे पहले मुझे लेफ्ट और अप ये 2 शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो लेफ्ट शिफ्ट दोस्तों क्या होता है, मेरी जो फर्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर जो मैं शिफ्ट अप्लाई करता हूं, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है उसके ऊपर कौन सी शिफ्ट अप्लाई होगी, लेफ्ट शिफ्ट। दूसरी मैट्रिक्स बी उसके ऊपर कौन सी शिफ्ट अप्लाई होगी, अप शिफ्ट। कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन हाउ द हायरार्की इज गोइंग टू मूव, किस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करेंगे। सी रिमेंबर, लेफ्ट शिफ्ट जो है आप क्या करते हो, रो वाइज अप्लाई करते हो, और वो रोज कैसी प्रोपेगेट करती है, फ्रॉम बॉटम टू अप। मैं क्या शब्दों की तरफ बहुत ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट शिफ्ट हम कैसे अप्लाई करते हैं, रो वाइज अप्लाई करते हैं फ्रॉम बॉटम टू अप, और जो आपका अप शिफ्ट है वो कॉलम वाइज अप्लाई होता है, वो कॉलम वाइज शिफ्ट होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये कैसे होता है, ये अभी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये तो रख दिया, अब चलो ए के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं। मैंने बोला बॉटम से अप तक, तो पहले बॉटम में कौन सा रो है, ये रो है, ये 2 प्रोसेस का रो है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करूंगा। लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करूंगा मतलब क्या, ये एलिमेंट इधर चला जाएगा, ये एलिमेंट इधर आ जाएगा, दैट इज द लेफ्ट शिफ्ट दैट आई एम अप्लाइंग। तो होगा क्या, 9236। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 9236, और यहाँ का जो था यहाँ पे चले जाएगा, दैट इज नथिंग बट 4472। ओके, सो इट विल बी 4472। तो आई होप ये लेफ्ट शिफ्ट मैंने क्या किया, एक्सचेंज हो गया। लेफ्ट शिफ्ट मतलब यहाँ पे जो मेरा बॉटम रो था वो एक्सचेंज हो गया। अब शिफ्ट कैसे करेंगे, राइट से लेफ्ट पे, तो सबसे पहले राइट कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉलम आ रहा है, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राइट शिफ्ट करूंगा, अप शिफ्ट करूंगा, नॉट लेफ्ट, अप शिफ्ट करूंगा। तो क्या होगा, ये वाला स्लॉट ऊपर चला जाएगा, ये वाला स्लॉट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट दिस थिंग यहाँ पे जो है वो 2, 3, 6 और 5, और ऊपर कौन सा चला जाएगा, जो यहाँ पे हमारा था, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 8, देन -8, देन -8 एंड 5। तो समझ में आ रहा है ना, अपशिफ्ट कैसे हुआ,
राइट राइट मोस्ट कॉलम को लिया और वहां पे अपशिफ्ट कर दिया कि भैया ये तू ऊपर जा और जो फर्स्ट वाला वो नीचे आ जाए, जस्ट लाइक एक्सचेंज इट इज हैपनिंग, इट इज लाइक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, लेफ्ट शिफ्ट गया। अभी ये लेफ्ट शिफ्ट वगैरह अप्लाई होने के बाद ये हमारा फाइनल मॉड्यूल है, ये फाइनल एलिमेंट्स है विच माई प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ। अभी कंप्यूटेशन करने के लिए एक बात याद रखनी है कि जिन जिन प्रोसेसर्स का इंडेक्स वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे A के पास P0 है, B के पास P0 है, तो ये जो P0 है सिर्फ P0 का P0 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन या फिर कंप्यूटेशन कैरी आउट होना चाहिए। मतलब ये इन अ शॉर्ट ये मेरी एक मैट्रिक्स है 2x2, ये एक मेरी मैट्रिक्स है 2x2 जो कि मेरा P0 कंपोज करता है। इन दोनों के बीच में अगर मैं कंप्यूटेशन करता हूं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो मेरा रिजल्ट निकलता है C0। तो P0 से P0 का कंप्यूटेशन निकला, रिजल्ट C0। सेम वे P1 से P1 का C1, P2 से P2 का C2 एंड P3 से P3 का मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट C3। तो सेम इंडेक्स वैल्यूज वाली जो प्रोसेसेस है उनके बीच में अभी कंप्यूटेशन कर रहे हैं, फाइनली वी जनरेट सच अ काइंड ऑफ अ रिजल्ट। अभी एक बार ये हो गया तो अगला कंप्यूटेशन, रिमेंबर ये आप सोच रहे होंगे कि जो शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट अप शिफ्ट, ये कितनी बार करना है, ये इटरेशन कितनी बार परफॉर्म करना है, वी हैव टू परफॉर्म इट फॉर रूट पी टाइम्स। कितनी बार, रूट पी टाइम्स। P is nothing but number of processes that you have considered. हमने कितने process consider किए हैं? 4. 4 का root 2. मतलब यहाँ पे इस example में हमें दो बार, कितनी बार? दो बार हम लोगों को left and upshift construct करना है या फिर implement करना है before going to next computation. तो हमारा computation हो गया। अभी हम लोग, ये हमारा पहला iteration हुआ। अभी हम लोगों को second iteration में जाना है। कहाँ जाना है? We have to move up to the second iteration. लेकिन second iteration के computation तक पहुँचने से पहले हम लोगों को shift perform करना पड़ेगा, left shift और up shift। तो ये हमारे पास data है। इसमें मैं क्या करूंगा, वापस से लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करूंगा, किसके ऊपर, ए के ऊपर, और अप शिफ्ट अप्लाई करूंगा, अप शिफ्ट अप्लाई करूंगा किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो मैंने पहले यहां पे अप्लाई किया था, आई अप्लाइड इट हियर। मैंने क्या कहा था, बॉटम से अप जाते हैं, बॉटम से अप जा रहे हैं और यहां पे राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। तो अभी मेरे कितने शिफ्ट होंगे, ये वाला रो भी शिफ्ट होगा, ये वाला रो भी शिफ्ट होगा, ये वाला कॉलम भी शिफ्ट होगा, ये वाला कॉलम भी शिफ्ट होगा, अप और लेफ्ट। समझ में आ गया ना? सो इट इज प्रोपेगेटिंग फ्रॉम बॉटम टू अप, इट इज प्रोपेगेटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और एक बार मैं ये शिफ्ट कर दूं जैसे मैंने प्रीवियसली किया था, रिजल्टेंट जो निकल के आता है वो ये है। इसका शिफ्ट होने के बाद जो रिजल्टेंट निकल के आता है, अभी आप क्लियरली देख सकते हो कैसे हो रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ये क्या हुआ, वापस से अप शिफ्ट हुआ, तो 2365 ऊपर चला गया और 8-8 ये नीचे आ गया, 1940 ऊपर चला गया बी का देखिए, और जो 6145 था वो नीचे आ गया। सो दिस इज जस्ट द अपशिफ्ट दैट इज गेटिंग प्रोपेगेटेड। कितनी बार, दो बार, बिकॉज इट इज रूट पी टाइम्स, इटरेशन इज अलाउडेड। एक बार मेरी ये एक तरीके से सबसेट ऑफ मैट्रिसेस तैयार हो गए, सो दिस इज माय फाइनल सेट। ये क्या है, मेरा फाइनल सेट है। तो कैसे होगा, रिमेंबर हाउ इट्स गोइंग टू डू, ये मेरा एक तरीके से P0 है, P1 है, P2 है, P3 है ऑफ A, ये मेरा P0 है, P1 है, P2 है, P3 है ऑफ B। सेम इंडेक्सेस वाले प्रोसेसेस को वापस से मल्टीप्लाई कर दो वापस से मल्टीप्लाई कर दो। तो P0 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय P0, P1 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय P1, P2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय P2 एंड P3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय P3। एक बार मल्टीप्लिकेशन हो गया तो आपका कुछ ऐसा C1 C0 ऐसे निकल के आएगा। अब जो भी आपका C0 C1 C2 C3 निकल के आता है उसे क्या करना है, आपने ऐड करना है विद रिस्पेक्टिव C0। मतलब फॉर एग्जांपल इन दोनों का जो प्रोडक्ट है या फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इट कम्स आउट टू बी समथिंग कॉल्ड एज C0। ओके, तो ये P0 into P0 is nothing but C0। अब जो आपके पास अभी जो C0 की वैल्यू आई है वो आप एड अप करोगे विद द प्रीवियस C0 वैल्यू। समझ में आया? तो प्रीवियस C0 वैल्यू क्या आपकी 16, 7, 28, 35, ये जो भी वैल्यू है इसके रिजल्ट के साथ एड अप करोगे। यू हैव टू एड दिस अप, मतलब प्रीवियस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू, एड इट अप एंड यू गेट द रिजल्टेंट C0 वैल्यू व्हिच इज नथिंग बट योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स वैल्यू। ये आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स वैल्यू। सेम तरीके से आपको P1 के साथ भी करना है। एक बार P1 का रिजल्ट आपके पास आ गया, एक 2x2 की मैट्रिक्स आ गई, उसको आपको प्रीवियस वाले C1 से एड अप कर देना है और आपका फाइनल C1 आ जाएगा। सेम विद द C2, सेम विद द C3। अभी अगर गौर से देखोगे, ये आपकी एक मैट्रिक्स है, दिस इज नथिंग बट योर मैट्रिक्स इफ यू सी इट केयरफुली। ये आपकी मैट्रिक्स है, ये आपका पहला पार्ट मैट्रिक्स का है, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट। तो एक तरीके से क्या किया, इस पूरे मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट ये निकला। लेकिन यहाँ पे हमने एक से ज्यादा प्रोसेस कंसिडर किए, इसीलिए ये पैरेलल इंप्लीमेंटेशन हमने किया। इसका हर एक स्टेप मैंने आपको बड़ी आसानी से विद एन एग्जांपल कैसे चलता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है बताया। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो, अगर आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज
दोस्तों वो तीन मैजिकल चीजें बिल्कुल करना ना भूले जो सिर्फ आप कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग।